मॉर्निंग भाई लोग, आज है डे टू बनारस की जर्नी का और आज क्या क्या कवर करेंगे। अरे गाइड वेयर आर यू, आज क्या कवर करेंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर है और काल भैरव मंदिर, और उसके बाद BHU जाएंगे, कचौड़ियां खाएंगे। ये मेन है कचौड़ी खाने वाला। कचौड़ियां खाएंगे, समोसे खाएंगे और दही बड़े खाएंगे। खाना पीना तो देखो बढ़िया है, ठीक है। मलाइयो फिर से पियेंगे, फिर से। चलो ठीक है, ओके बाय गाइस। एक चीज़ ये देखो कि जितनी सीढ़ियां हम यहाँ से उतर के जा रहे हैं, बारिश के दिनों में पानी पूरा सीढ़ियों से भी ऊपर तक आ जाता है। यहाँ से अभी हम दूसरे घाट जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या करना है, एंड देन पूरे डे का जैसे अभी डिसाइड किया वैसे ही फॉलो करेंगे। ये घाट, ये ऐसा है कि नदी आगे जाके गहरी है, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट प्लेन से, ये जैसे हमने वहाँ पे देखा था अच्छी घाट पे, जो मैदान कितना प्लेन सा था एकदम। कहाँ पे कह रहे हो? वहीं पे कोने पे, ऐसा नहीं कि स्टीप हो एकदम सही। घाट ऐसा है कि आप थोड़ा आगे तक जा सकते हो, नाव तक भी विदाउट एनी। हाँ कल देखा तो था पानी कितना, वो देखो वहाँ से कितना नीचे गया हुआ है पानी भी। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो हम मंदिर उस दिन गए थे बट मंदिर हमें गलत गेट से चले गए थे, जहाँ से फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमें फ़ोन बाहर ही सबमिट करने पड़े थे लोकल शॉप पे। तो अगर आप जा रहे हो तो देख के जाना, क्योंकि अंदर कॉरिडोर तक अब से फ़ोन अलाउड हैं। और हम उस दिन BHU भी नहीं गए थे, BHU हम अगले दिन गए थे, और हम मंदिर भी अगले दिन दोबारा गए थे, क्योंकि आज जब हम गए तो हमें पता ही नहीं था कि फ़ोन भी अलाउड है। तो हम दूसरे दिन जब गए तो हम फ़ोन भी साथ लेके गए थे। यार देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप लोग जा रहे हो तो ये जो बाहर शॉप्स में आपको लोग डराएंगे कि अंदर फ़ोन नहीं अलाउड है, हमारे पास जमा कर दो, हमारे पास ये कर दो, बिल्कुल नहीं जाना उनके पास। वो आपको फ़ोन फ्री में जमा करवाते हैं बट आपको बोलेंगे कि आपको प्रसाद लेना पड़ेगा उनसे, और वो प्रसाद के पैसे उसी में चार्ज कर लेते हैं आपको, 400 या 300 रुपये का प्रसाद लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप अंदर जब जाओगे मंदिर के तो वहाँ पे ऑलरेडी उनकी स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे लॉकर ले सकते हो और वहाँ पे अपने फ़ोन वगैरह आप चीज़ें रख सकते हो, तो बाहर की शॉप्स को अवॉइड करना। इससे आगे नहीं जा सकते फोन लेके, यहाँ पे जूते चप्पल और फोन जमा करने पड़ेंगे। मिलता हूँ मैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर से वापस आने के बाद हम लोग गए पशुपतिनाथ मंदिर। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो एक्चुअल में नेपाल में है बट बनारस में सम्राजेश्वर पशुपतिनाथ मंदिर है, तो हम वहाँ पे गए उसके बाद, जो अब आप देखेंगे आगे। अब ये दोबारा पीना है, पहले हैंड वॉश करना है, फिर हैंड वॉश करना है, बस पानी पीना नहीं है, नहीं पीना नहीं है।
और मंदिर के बाहर निकलते ही आपको खाने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और सबसे मेन जो है आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि एक लेमन टी है वो ज़रूर ट्राई करें, एकदम रिफ्रेशिंग होती है भाई। उसके बाद हम पहुँचे ब्लू लस्सी वाली शॉप पे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है, बट वो शॉप मुझे पर्सनली बोलूँ तो ओवर हाइप लगी। एक्चुअली मैं वो जवाब भी नहीं दे रहा था, बट बिहेवियर वाइज बिल्कुल बेकार था, ओवर हाइप जगह है वो। अगर आप जाओ तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ जाओ, अपना ही आप एक्सपीरियंस ख़राब करने जाओगे। तो भाई उसके बाद हम लोग गए एक इत्र की दुकान पे और वहाँ पे जाके इतनी अच्छी फ्रेग्रेंसेस की कलेक्शन थी उन अंकल के पास। ये जो अभी आप डाल रहे हो इसका क्या नाम बताया आपने? डंकार। और ये जो छोटी में आपने ऑलरेडी डाला है ये वाला? ऊद। ये ऊद है। दुकान कौन सी? दुकान का बोर्ड है? नहीं, बाबा गौरशंकर नाम है। क्या नाम से? बाबा गौरशंकर एंटरप्राइजेज। उसके बाद हम लोग गए बोट राइड के लिए और ये बोट राइड की कॉस्टिंग 200 रुपये पर पर्सन हमें पड़ी और उसके अंदर उसने हमें 45 टू 50 मिनट्स तक घुमाया, मतलब हम अकेले नहीं थे। Walk in the shadowland, nobody's innocent. Hand to mouth, we live like demons. Stuck in the phantom zone, lost in a thunderdome. Twilight ruled the day. The impossible, now we're unstoppable. Taking off the world beneath us. Strong under pressure, we'll make it together. Our universe will change. Freedom looking down a telescope. Starlight never been so beautiful. Whole world waiting for us, time to go. Escaping gravity. We'll be rising high above the rising sunset. Never gonna be the same. Thunder calling us to outer space. Escaping gravity. हमारा गाइड ना थक गया है, इसकी बातें सुनो जरा। बोलो क्या करना है आज? इतना थक गया कि बोला नहीं चाहिए। मैंने बोला है आरती के बाद क्या चाहिए मेरे भाई? हेलो तो बोल दे। बोल दे नहीं बोल, हाय ऐसे। तो वो सब जा रहे हैं आरती देखने। कहाँ जा रहे हैं? हेलो, कितनी देर में पहुँचेंगे? ठीक है, जाम देख लो, हो भी जाएगा। यार देखो दशाश्वमेध घाट तो हम पहुंच नहीं पाए आरती के टाइम पे, तो आरती हो गई थी हमारी मिस क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। हम एक डेढ़ घंटे से जाम में ही फंसे हुए थे और आरती का टाइम निकल गया था, तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे और नेक्स्ट डे हम गए भी। तो इसके बाद हमने अपना दिन यहाँ पे एंड किया और फ़ोन में ज़्यादा बैटरी नहीं बची थी तो मैं घर पे जाके रूम में जाके रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।